बात है, ये सब जिम्मेवारी प्रशासन का है। यहाँ का प्रशासन इतना नाकामी है। प्रशासन तो रात में गश्ती भी करती है, आप जिम्मेवारी कभी नहीं गश्ती करती है, कभी नहीं। हम लोग एक से हो, 100 से हो, 50 से हो, 2000 से हो, पूरे ढाका से हो, इस बार हम लोग गांधी चौक पर बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि कब तक ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग नीचे अगर कार्रवाई करने वाले नहीं है तो ऊपर तो कोई देखने वाला जरूर होगा जो आके कार्रवाई करेगा। शासन को चाहिए दारू का कमाई चाहिए। हर बॉर्डर पर अपना अपना आदमी को बैठाए हुआ है। प्रशासन अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसमें हम लोग को ये शक है कि कहीं ना कहीं मिली भगत। प्रशासन दारू पकड़ने के लिए बड़गिनिया चला जाता है, लेकिन जहां 15 लाख 20 लाख का चोरी हो रहा है वहां पे अभी तक उन्होंने निश्चित कार्रवाई कोई नहीं की। ढाका थाना में वैसे बहुत सारे चौकीदार मिल जाएंगे जो चौकीदार दलाली करते हैं और यहाँ रह के थानेदार का सेवादारी कर। प्रशासन के मिली भगत से ऐसी चोरी की वारदात ढाका में लगातार बढ़ रही है। थाना से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर वह दुकान पड़ता है और उसी दुकान के महज थोड़ा सा आगे पीछे फिर से एक सोने के दुकान में चोरी हुई, जिसके एवज में पूरे ढाका थाना के लोग गांधी चौक पर उतरे हुए थाना प्रशासन के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जानते हैं कि मामला क्या है, कब चोरी हुआ, कैसे चोरी। आज थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर फिर से ज्वेलरी के शॉप को निशाना बनाया गया है। भीषण लूटपाट हुई है उसमें। उसी के मद्देनज़र हम लोग व्यावसायिक संघ ने ढाका को बंद करने का आह्वान किए हैं। और इसके पूर्व भी बता दें, 15 दिन पूर्व ढाका में डकैती की घटना हुई थी, जहां पे आरके ज्वेलर्स नाम के दुकान को लूटपाट का शिकार बनाया गया था। उसमें डकैती की वारदात हुई थी, वहाँ पे मकान मालिक को बंधक बना के और 500 लाख रुपया के सोने चांदी की लूट हुई थी। और प्रशासन ने यह कह के लोगों को चोरी का केस करवा दिया गया कि हम इस कांड का उद्भेदन 1 सप्ताह के अंदर कर लेंगे और सभी रोडों में पुलिस की तैनाती रहेगी, गश्ती हमारा टू टाइट रहेगा और सभी रोड में प्रशासन के द्वारा। उस समय भी हम लोग व्यावसायिक संघ के लोग जब हम मिले थे तो प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि बैरगिनिया रोड में 2 पुलिस, घोड़ासहन रोड में 3-4 पुलिस, आज़ाद चौक पे 2-3 पुलिस, गुदरी बाज़ार में 3-4 पुलिस की तैनाती रहेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर से चोरों का मनोबल बढ़ा। प्रशासन के मिली भगत से यहाँ के व्यवसायियों में आक्रोश है कि प्रशासन के मिली भगत से ऐसी चोरी की वारदात ढाका में लगातार बढ़ रही है। अच्छा, और चोरी कितने बजे हुई, कब हुई ये चोरी? तो चोरी रात का चोरी है, चूँकि पीड़ित लोगों को पता कब चला? पीड़ित दुकानदार ने हमें फ़ोन किया है और उस समय हम अपने गाँव पर थे तो गाँव से आए हैं। उसके बाद में इतना समझ लीजिए कि पीड़ित दुकानदार हमें फ़ोन किया, हम बखरी गांव से ढाका पहुंच गए, लेकिन हम बखरी से चलने के वक्त थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि अमुक रोड में चोरी हो गई है, वहां पहुंचिए, लेकिन हम पहुंच गए बखरी से ढाका, लेकिन महज 100 मीटर की दूरी से थाना घटनास्थल पर नहीं पहुँचा था। उसके पहले हम स्वयं पहुँच गए वहाँ, मेरे पहुँचने के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद थाना वहाँ पहुँचा। यानी कि घटनास्थल पर लोग पहुँचते हैं और 100 से 150 मीटर की दूरी रहने पर थाना भी नहीं, थाना को कोई जानकारी नहीं होता। थाना को हमारे द्वारा जानकारी देने के बाद हम बखरी से चले आते हैं, लेकिन थाना 100 मीटर की दूरी से घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है। और यहां के जो भी थाना के पुलिस पदाधिकारी है, शराब माफियाओं पे कोई नकेल नहीं है उसका, सिर्फ जो व्यक्ति शराब खरीद के पीता है वैसे लोगों को पकड़ के हाजत में डालते हैं, लाखों लाख का मोटी रकम का खेल खेलते हैं। जिस चौकीदार को ढाका थाना के जो भी चौकीदार है उसको गांव में रह के इनपुट देना है, लेकिन ढाका थाना में वैसे बहुत सारे चौकीदार मिल जाएंगे जो चौकीदार दलाली करते हैं और यहाँ रह के थानेदार का सेवादारी करते हैं। बस यही काम रह गया है कि जो व्यवसायी है अगर कोई मेहनत कर रहा है सुबह में या दिन भर मेहनत की, अगर शाम को कुछ पी लिया तो उसको पकड़ के ला के बंद कर दो, उसे मोटी उगाही करो। चोरी में मिली भगत प्रशासन कितने का लगभग चोरी हुआ होगा, कुछ अंदाजा आप लोगों को? अभी इसका पुष्टि चोरी का जो है ये अंदाजा दुकानदार जब दुकान अंदर जाएंगे, अभी कुत्ता बुलाने की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है, इस वजह से हम लोग दुकान के अंदर नहीं गए हैं। जब हम लोग सामान मिलान करेंगे उसके बाद हम लोग बताएंगे कि वास्तव में यह चोरी या लूट कितनी की हुई है।
किस लिए प्रदर्शन क्या कर प्रदर्शन किस लिए क्या करते हैं? देखिए चंदन ज्वेलर्स में चोरी हुई है, इसके पूर्व में आरके ज्वेलर्स में चोरी हुई, थाना के 100 मीटर 100 से 150 मीटर के दूरी पे उस चीज को हमने कवर भी किया था, लेकिन थोड़ा सा हमको बताएंगे कि पिछला जो आरके ज्वेलर्स में चोरी हुआ था क्या कार्रवाई हुई थी? उसमें कोई कार्रवाई नहीं, आज तक हम लोग को पता भी नहीं चला कि क्या किए। आरके ज्वेलर्स आप ही का था, क्या कार्रवाई प्रशासन की? अभी तक कोई प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। कितने का चोरी हुआ था? लगभग 17 लाख रुपए का। 17 लाख? प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं है। प्रशासन पूछने तक भी नहीं, पूछने तक बाद में नहीं आया कि आपके साथ क्या हुआ, कुछ पता चला कि नहीं चला, ना वो अपने स्तर से प्रशासन पता लगाया। अगर वो पता लगाया रहता तो इनके दुकान से 4 दुकान बगल में आज नहीं ना घटना घटता, यानी कि इनके दुकान से 4 दुकान बगल में फिर से चोरी हो गई। प्रशासन दारू पकड़ने के लिए बड़गिनिया चला जाता है, लेकिन जहाँ 15 लाख 20 लाख का चोरी हो रहा है वहाँ पे अभी तक उन्होंने निश्चित कार्रवाई कोई नहीं किया। अभी 2 घंटा हो गया हम लोग वहाँ पहुँचे हुए, लेकिन 2 घंटा पहुँचने के बावजूद भी प्रशासन कोई कड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है। जी भैया क्या कहें इस विषय में? यही कहना है, प्रशासन अगर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, उसको लगे कि नहीं ये चोरी रुक जाना चाहिए तो पकड़ लेना। आज के डेट में प्रशासन के पास इतना प्रसाधन है, मोबाइल टावर है, उसका गुप्तचर है, जगह जगह सब जगह कैमरा लगा हुआ है, तो पूरा सिस्टम है, चाहेंगे तो घंटा के अंदर में पूरा खंगाल सकते हैं। लेकिन प्रशासन अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसमें हम लोग को ये शक है कि कहीं ना कहीं मिली भगत हो, चाहे जो कुछ भी हो, नहीं तो चोरी लगातार होते जा रही है। अगर पहले चोरी में ही प्रशासन अपने सामान के द्वारा कार्रवाई में आ गया रहता तो चोरी आज रुक गई रहती, लेकिन प्रशासन का मिलीभगत हो या अनदेखी हो या यहाँ का व्यवसायी संघ है जो सोए हुआ है, चोरी होते रहे, सामान जाते रहे, आज वर्षों की कमाई पूंजी सब लोग की चली जा रही है, आंख नहीं खुल रही है। और जो प्रशासन हम लोग को मिला हुआ है सुरक्षा देने के लिए, वो प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए प्रशासन अपने असली रूप में नहीं है। अगर प्रशासन असली रूप में होती तो आज ये पहली चोरी नहीं है, जिस तरह सभी लोग बता रहे हैं लगातार चोरी पर चोरी होते जा रही है। तो प्रशासन सही रूप में होती तो चोरी जरूर है कि रुक गई रहती। प्रशासन क्या मांग करेंगे वरीय पदाधिकारी लोग से? वरीय पदाधिकारी लोग को अगर कुछ करना रहता तो पहले से ही कुछ कर चुके होते। हमें तो लगता है इसको भी लिपापोती करके जाने देंगे, क्योंकि इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कोई ऐसा उन लोगों का कांड पकड़ा जाए जिसमें विधायक का दबाव हो, एमपी का दबाव हो, उस पर वो लोग संज्ञान लेंगे, अन्यथा व्यवसायी डूब जाए, कट जाए, लड़ जाए, मर जाए, कोई आके उसके साथ जो करना है कर जाए, उसका सारा माल उठा के ले जाए, न यहाँ का प्रशासन न हम लोग के ऊपर जो भी हैं, जो हम लोग को सुरक्षा देने का ये करते हैं, इन लोगों को कोई मतलब हम लोग से नहीं है। हम लोग वोट देने का एक मशीन है, हम लोग वोट देंगे, जीतेंगे लोग, ऐश करेंगे, उनके अनुरूप जो भी ये थाना और ये BDO CO जो भी आते हैं, DO आते हैं, DSP आते हैं, ये जब तक उन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक वो लोग इस चोरी के संज्ञान में क्या करना चाहिए करेंगे नहीं, और लोग को सुरक्षा मिलेगा नहीं। और हम क्या करेंगे? आप किनको बोल रहे हैं क्या करेंगे? जैसे धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन करे, दुकान बंद करवा रहे हैं, आगे क्या करना है? अगर 2 से 4 घंटे भी बीत गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, यही होगा। जब तक दोषी सामने नहीं आएगा, अपराधी सामने नहीं आएगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगा ही रहेगा और थाना का भी घेराव होगा। इस बार ऐसा है कि एक व्यवसायी लूटे गए, हुआ कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। इतना कैमरा रहते हुए इतना लोग क्या रखा जाए, जहाँ पे चोरी हुआ बगल में फिर से चोरी, यही धैर्यता होगी। लोकेशन टावर भी मिल गया। यहाँ पर जो प्रशासन है ना, तो प्रशासन एक मिनट प्रशासन को चाहिए दारू का कमाई चाहिए। हर बॉर्डर पर अपना अपना आदमी को बैठाए हुआ है और प्रतिदिन उसको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया प्रशासन को कमाई चाहिए। यहाँ पब्लिक का लुटा जाए, आजाद चौक पर घटना घट गया, दो को यहाँ पर घटना घट गया, रात को डकैती हो गया, कोई प्रशासन का गश्त यहाँ पर नहीं है, समझे कि नहीं? और जब से ही प्रशासन आया है, नया स्टाफ जब से आया है, तब से और घटना घट रहा नहीं। अभी तो रात का घटना घट रहा है, हो सकता है दिन में भी घटना घटेगा।
दिन में भी घटना घटेगा और दिन में लूट कर चला जाएगा अपराधी। प्रशासन का जो रवैया, हाँ प्रशासन का जो रवैया है वो रवैया समझ लीजिए कि अब हम लोग समझ गए फेल्योर है, एकदम फेल्योर है। इसको चाहिए दारू का कमाई चाहिए, हर बॉर्डर पर दारू का कमाई चाहिए, मतलब नहीं समझे कि नहीं, यहाँ का व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, बस यही व्यवसायी को तो गाली देते हैं थाना प्रभारी, कहते हैं कि तुम अपना सुरक्षा तुम स्वयं करो, तुम करो, बोलते हैं कि हमको वर्दी का धवस दिखाते हैं, वर्दी का धवस, हाँ ये वर्दी का धवस दिखाने ना हुआ, आज बताइए अभी डीएसपी साहब इधर से गुजर गए, आके पूछे नहीं क्या किसका भीड़ लगा हुआ है, अच्छा एसपी साहब गुजरे पूछे क्या चीज का भीड़ लगा, गुजरे हैं लेकिन आके पूछे तक नहीं कि क्या चीज का भीड़ लगा हुआ है, क्यों यहाँ पे 100 लोग जमा हुए हैं, क्यों नहीं प्रशासन से आप लोग को उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद रहता तो एक महीने में 5 गो घटना घटता, क्या करेंगे आप? अब हम लोग तो धरना करेंगे, इस पर एसपी साहब एसपी महोदय साहब यहाँ पर आवेंगे और यहाँ का रवैया देखेंगे और इस लायक इस क्षेत्र के लायक अगर जो थाना प्रभारी है जो प्रशासन है उस तरह का बहाल करें यहाँ पर, क्या करें बस यहाँ से। अब हम लोग सोच रहे हैं कि पलायन ही कर जाएं, दुकानदारी बंद करके अब 20 साल ना डर हो गया, एकदम खौफ में है भैया, जिंदगी भर कमा के जो बंद किए हुए हैं एक रात में खत्म हो जाएगा तो रोड पे चले आएंगे और जो उनका खत्म हुआ है तो रोड पे चले आए। एसपी साहब से हम लोग को अब यही मांग है सारे व्यवसायी को कि सुरक्षा हो, इनके रीजन में सुरक्षा नहीं मिले, और जो चोरी हुआ है इस पर कोई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक इस चोरी को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा और चोर पकड़ा कर नहीं आएगा। हम लोग 1 से हो 100 से हो 50 से हो 2000 से हो पूरे ढाका से हो इस बार हम लोग गांधी चौक पर बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि कब तक ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग नीचे अगर कार्रवाई करने वाले नहीं है तो ऊपर तो कोई देखने वाला जरूर होगा जो आके कार्रवाई करेगा और इस व्यवसायी को बचाएगा। सिकराना अनुमंडल का ढाका है, अभी हम ढाका गांधी चौक पे थे, व्यवसायी संघ के लोग यहाँ पे तमाम तरह का कैमरा घुमा कर दिखा दीजिएगा, ढाका गांधी चौक पे व्यवसायी संघ के तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इस उम्मीद में खड़े हैं कि प्रशासन कुछ न कुछ न्याय करेंगे। हालांकि मैं बताते चलूँ कि महीना दिन के अंदर थाना से 100 से 150 मीटर की दूरी पर 2 सोना के दुकान में लूट होती है, पहले सोना के दुकान में लूट हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खमियाजा इसका बयान आप दुकान मालिकों से दुकान ओनरों से सुन लिए। दूसरा उसी दुकान के महज 3 से 4 दुकान के आसपास में फिर से चोरी हुई और अभी तक थाना प्रशासन के द्वारा कोई कामयाबी नहीं मिली है, कोई सफलता नहीं मिली है, न उस दुकानदार को कोई न्याय नहीं मिला है। बाकी वीडियो देखने के लिए जी जी एक मिनट बोलिए बोलिए जी भैया। सबसे पहला बात है ये सब जिम्मेवारी प्रशासन का है, यहाँ का प्रशासन इतना नाकामी है, प्रशासन तो रात में गश्ती भी करती है, आप जिम्मेवारी कभी नहीं गश्ती करती है, कभी नहीं प्रशासन गश्ती करती तो थाना के थाना के आप तो देख रहे हैं ना, आप तो देख रहे हैं 100 मीटर पर दूरी पर चोरी होता, अच्छा ठीक है एक बार हो गया चलिए ठीक है, इसके पहले जो हुआ हो गया, आज फिर उसी रोड में थाना से और सटे हुआ से क्या वैसा मतलब 10 रुपए का चोरी चोरी होता, थाना प्रशासन का काम है काम करना, चोरी होने के बाद आप कहाँ थे, ठीक है वो हो गया अभी उसमें अनुसंधान चल रहा था, फिर आपको 10 दिन 15 दिन नहीं हुआ चोरी हो गया कैसे होगा, उसी दुकान के पास, उसी दुकान के पास में और आज भिकमंगा हो गया जो जिसका दुकानदार जमीन बेच के आज गल्ला पूंजी 20 लाख रुपए लगाया था आज तो रोड पर आ गया, उसका क्या है बोलिए आप ही, कोई करने वाला है उसका क्या, बोले बार बार चोरी होते जा रहा है इस पर कोई प्रशासन के ध्यान नहीं है, प्रशासन सिर्फ दारू और मास्क इसी पर ध्यान दिया। आप लोग का दुकान तो थाना से लगभग लगभग 20 से 50 मीटर के दूरी पे लगभग लगभग 50 मीटर, आप संसद बताइए रात में गश्ती होता है कि नहीं? नहीं कोई गश्ती नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रशासन कोई मतलब देखरेख नहीं करता, कोई प्रशासन कोई तरह के देखरेख नहीं करता है, नहीं करता है, एकदम उम्मीद नहीं, नहीं नहीं कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद रहता तो हम इधर अगर रहते इधर हम पूरा एकदम जाम लगाए रहते, प्रशासन के ध्यान ही नहीं है इस पर। देखिए ढाका गांधी चौक पे पूरे व्यवसायी संघ के लोग खड़े हैं और व्यवसायी संघ के लोग में काफी आक्रोश है, व्यवसायी संघ के लोग आक्रोश है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए न्याय चाहिए और इस न्याय के चक्कर में थाना से 100 से 150 मीटर की दूरी पर 2 सोने की दुकान में चोरी हो गई और अभी तक किसी प्रकार का कामयाबी नहीं मिली। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि वरीय पदाधिकारी के पास पहुंचे, इन लोगों का आवाज एक बार पहुंच जाए और ढाका में ऐसी वारदात हो रही है, वारदात रुके नहीं तो आने वाले दिनों में लोग अपना दिन में दुकान खोलने से भी डरेंगे, इसलिए डरेंगे क्योंकि थाना से 100 से 150 मीटर की दूरी पर चोरी हो गई और किसी प्रकार का अभी तक कामयाबी नहीं मिली तो दिन में भी दुकान खोलना लोगों को डर लगने लगेगा भाई साहब, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, वरीय पदाधिकारी एसपी डीएसपी डीएम तक पहुंचे इस वीडियो को। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।